सेल बैटरी जो आप रिमोट में डालते हो ना, इस सेल को हर कोई जानता है, आप भी जानते होंगे कि यार इसमें क्या होता है, कोई भी बैटरी हो ना दुनिया की, वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, दोनों एंड होते हैं, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, या फिर इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ऐसे चलता है। तो जब भी हम सप्लाई लेते हैं तो क्या होता है, इधर से चार्ज आता है और ऐसे सप्लाई रहती है उसकी कंटिन्यूस, जब तक ये पावर खत्म नहीं जाती तब तक ये बैटरी में जान रहेगी। आपकी जो भी सप्लाई करनी है, रिमोट चला रहे हो, बल्ब चला रहे हो, जब तक जलेगा, जब तक इसमें पावर है, ये पूरे के पूरे जब तक चार्ज खत्म नहीं होता वो चलता रहेगा। तो ये रहता है एक सेल में, और जब बहुत सारी सेल होंगी उनमें भी यही होगा। अब अगर मैं ये लूँ, ये ऑपरेटस लिया मैंने, कॉनिकल फ्लैश मैंने ले लिया, इसमें अगर मैं पानी डाल दूँ, पानी डालने के बाद अगर मैं ये सेल इसके अंदर डाल देता हूँ तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि पानी होता न्यूट्रल, पानी में कोई चार्ज नहीं होता। तो पानी में अगर मैं नमक ऐड कर देता हूँ तो सब कुछ बदल जाएगा। कैसे? क्योंकि नमक होता क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है, सब लोग जानते हैं यार, केमिस्ट्री पढ़ाई होगा। अब जो सोडियम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो क्लोरीन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब इसमें पानी में मिला दिया तो पानी में चार्ज आ जाएगा, आयन्स आ जाएंगे, तो जो सोडियम है पॉजिटिव वो इसके नेगेटिव पे जाएगा, जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव की तरफ भागता है, और जो नेगेटिव होता है पॉजिटिव की तरफ भागता है। और रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा, जो अच्छे अच्छे लड़के हैं वो खराब चीज़ों की तरफ भागेंगे, जो खराब लड़के अच्छे की तरफ भागेंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? तो यही है, पॉजिटिव चीज़ नेगेटिव की तरफ भागेगी, और जब ये वाले रिएक्शन इसमें होगा ना नमक वाले पानी में, तो फिर गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। अब ये सारी चीज़ इसके अंदर होगी, जब गैस ऊपर रिलीज होगी, और वो हाइड्रोजन है या नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम गैस रिलीज के ऊपर एक माचिस की तीली लगा देंगे और वो आग जलनी चाहिए, तो प्रूव हो जाएगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल है, आपको पता है ही सबको। तो यही करते हैं, अब तक इस नॉलेज की बात, तो बढ़ते आगे। हाँ जी, की हाल चाल, बढ़िया सब। तो आज आने वाला है मजाक, कुछ यूनिक चीज घर पे जो हम कर सकते हैं, वो है पानी की बॉटल ली है मैंने, नमक लिया है, और कॉनिकल फ्लैश ना हो तो ग्लास में भी कर लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़े लेवल पे बिल्कुल मत करना, क्योंकि छोटी मोटी बैटरी है, ये इतने इतने से सेल है, अगर ज्यादा लोगे तो बड़ा रिएक्शन हो सकता है, वो नुकसान दे सकता है। तो इसको देखो और इन्जॉय करो। तो बड़ी बैटरी के साथ तो बिल्कुल मत ट्राई करना, छोटे के साथ भी करना तो अपने स्कूल लैब में कर सकते हो आप। तो करना क्या है, सबसे पहले पानी लिया, दादी चला क्यों, तो टेबल साफ हो गई। आपको देखो पानी के अंदर हल्का हल्का दिखना शुरू हो गया होगा, क्योंकि जो नमक है वो पानी में डिसॉल्व हो गया काफी हद तक। तो नमक बहुत ज्यादा था, इतना डिसॉल्व होने से रहा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा नमक का। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, एक सेल को इसके अंदर डाल रहा हूं, देखना रिएक्शन होता है या नहीं।
रिएक्शन जब हम बैटरी को पानी में डालते हैं और नमक ऐड कर देते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है जिसमें ऐसे आग लग जाती है। अगर मजा आया आपको वीडियो में तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ऐसी यूनिक चीजें हम लाते रहेंगे, आपको मजा आता रहेगा। और जो आपके मन में कि भाई ये करके दिखाओ, उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या वीडियो के नीचे भी कमेंट करके बता सकते हैं। तब मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।